الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से कितनी तसकी वाबस्ता है तेरे नाम के साथ नींद का टोपे भी आ जाती है आराम के साथ नींद का टोपे भी आ जाती है आराम के साथ हर दम अल्लाह अल्लाह कर हर दम अल्लाह अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर जिए तो उसका हो कर जी और मरे तो उसका हो कर मर मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे बुजुर्गान मोहतरम और अजीज नौजवानों अजीज बच्चों अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आपको ये जो जिंदगी अता फरमाई है ये बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है लेकिन बहुत कीमती है। आप कहेंगे कि मुख्तसर भी है और कीमती भी है। फरमाया हाँ, हमेशा हमेश की जो लाइफ आने वाली है, आखिरत की जो लामहदूद कभी न ख़त्म होने वाली, कभी न फना होने वाली जो जिंदगी आने वाली है, उसका दारो मदार
इसी मुख्तसर सी जिंदगी पर है। इस मुख्तसर सी जिंदगी में अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लिया, अल्लाह को भी माना, अल्लाह की भी मानी, नबी को भी माना, नबी की भी मानी, आप यकीन मानो अल्लाह दुनिया कदमों में डालेंगे और अल्लाह ताला हमारी आखिरत भी संवार देंगे। आज दुनिया में जिस इंसान को देखो सुकून के लिए परेशान है, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं, बेचैनी है, परेशानी है, हालात है, तकलीफ है, क्या मालदार, क्या गरीब, क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, क्या बंगले में रहने वाला, क्या झोपड़े में रहने वाला, क्या शोरूम का मालिक, क्या लाड़ी चलाने वाला, जिसको भी देखो बेचैन है, परेशान है, और उसके हिसाब से इत्मीनान के सारे नक्शे उसके पास मौजूद है। उसके पास मकान भी है, उसके पास कार भी है, उसके पास एसी भी है, उसके पास पैसे भी है, उसके पास जमीन और जायदाद भी है, उसके पास प्रॉपर्टी भी है, उसके एतबार से सुकून के सारे नक्शे मौजूद है, फिर भी परेशान है। परेशानी की वजह क्या है? फरमाया उसके पास अल्लाह की याद नहीं है, उसकी जिंदगी में अल्लाह का ध्यान नहीं है। आज का इंसान समझता है कि पैसा आएगा ना तो सुकून आ जाएगा। फरमाया पैसे के आने से सुकून नहीं आता। अगर पैसे के आने से सुकून आता होता तो आज तक इतने मालदार और करोड़पति लोग खुदकुशी नहीं करते। कितने दुनिया के स्टार लोग, मालदार लोग, अमीर लोग खुदकुशी कर रहे हैं और दुनिया से जा रहे हैं। वजह क्या है? पैसा है लेकिन सुकून नहीं है। पैसे से हर काम नहीं होता। पैसे से इंसान नरम नरम बिस्तर तो खरीद सकता है, मीठी नींद नहीं खरीद सकता। पैसे से इंसान चश्मा तो खरीद सकता है, आंखों की बिनाई नहीं खरीद सकता। पैसे से इंसान एसी तो खरीद सकता है लेकिन दिल का सुकून नहीं खरीद सकता। पैसा इंसान किसी को दे तो सकता है लेकिन इससे किसी का दिल नहीं जीत सकता। पैसे से इंसान दवाई तो खरीद सकता है लेकिन शिफा नहीं खरीद सकता। पैसे से इंसान नरम नरम बिस्तर तो खरीद सकता है लेकिन मीठी नींद नहीं खरीद सकता। पैसे से इंसान कुरान शरीफ तो ले सकता है लेकिन हाफिज कुरान नहीं बन सकता। पैसे से इंसान बहुत सी किताबें तो खरीद सकता है लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और प्रोफेसर नहीं हो सकता। हर काम पैसे से नहीं होता। हाँ, पैसा अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर कोई शख्स अपने 100 रुपये समंदर में डाल दे, समंदर में फेंक दे, क्या जायज है? फरमाया ना ना ना, बहुत बड़ा गुनहगार होगा। अरे मेरे पैसे मैंने खुद कमाए हैं और मैं खुद अपने हाथ से उसको समंदर में फेंक रहा हूं तो मौलाना साहब मैं क्यों गुनहगार हूंगा? फरमाया ये कमाए तूने हैं लेकिन याद रख ये अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने तुझे दिए हैं। अगर अल्लाह तेरा दिमाग फेल कर देते तो तू कहां से कमाता? अगर अल्लाह तुझे जेल में भेज देते तो तू कहां से कमाता? अगर अल्लाह ताला तुझे हाथ और पैर में कुछ तकलीफ पहुंचा देते, लंगड़ा और अपाहज बना देते तो तू कहां से कमाता? ए इंसान, ये पैसा भी अल्लाह देता है, ये रिस्क भी अल्लाह देता है, ये सारी नेमतें देने वाली जात एक अल्लाह की है। अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत रमजान का मुबारक महीना है। जब रमजान का महीना शुरू होने वाला था, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के मजमे को जमा करके आपने एक अजीम उशान खुतबा इरशाद फरमाया। उसमें रमजान के मुतालिक इरशाद फरमाया के शहरुन अजीम, के रमजान का महीना ये बड़ी अजमतों वाला महीना है, बड़ा कीमती महीना है, ये कोई मामूली महीना नहीं। फरमाया के रमजान का महीना ये तो अल्लाह का महीना है। आका ने शहरुन अजीम फरमाया और अजीम जो है ना ये अल्लाह की सिफत है।
قرآن کریم کے متعلق بیان فرمایا عظیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. پیارے نبی کے اخلاق کا تذکر آیا تو عظیم کا لفظ استعمال فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے کے. اور رمضان کے مہینے کا ذکر آیا تو آقا نے عظیم کا لفظ استعمال فرمایا شہرن عظیم. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے, بڑا مبارک مہینہ ہے. رمضان کا ایک نام ارشاد فرمایا کہ یہ تو شہر صبر ہے, صبر کا مہینہ, اور صبر کا بدلہ جنت ہے. رمضان کا ایک نام شہر المساوات, غم خاری کا مہینہ, یتیموں کی, بیواؤں کی, مسکینوں کی, پریشان حالوں کی خبر گیری کرنے کا مہینہ, اور غریبوں کے لیے اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا مہینہ, انہیں افطاری کرانے کا, انہیں سحری کرانے کا, انہیں کیٹ پہنچانے کا, غریبوں کا درد اپنے سینے میں رکھنے کا, جو جیل میں ہے انہیں کھانا پہنچانے کا, جو ہسپیٹلوں میں مریض ہے یہ انہیں کھانا پہنچانے کا مہینہ ہے. فرمایا شہر المساوات, یہ غم خاری کا مہینہ ہے. فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن ہے. ہم نے دیکھا جس تاجر کی سیزن آتی ہے وہ تاجر اپنی محنت کو بڑھاتا ہے, اپنی کوشش کو بڑھاتا ہے, اپنی قربانی کو بڑھاتا ہے. 10 بجے دکان پہ جانے والا 9 بجے چلا جاتا ہے, 2 بجے کھانے آنے والا 3:30 بجے آتا ہے, رات 10 بجے دکان بند کرنے والا 11 بجے دکان بند کرتا ہے. فیملی پوچھتی ہے کیا بات ہے آج کل آپ بہت لیٹ آ رہے ہو, کہتا ہے کہ میری بیوی تجھے معلوم نہیں کہ سیزن ہے, اگر سیزن میں کمائیں گے تو انشاءاللہ پورا سال اطمینان سے بیٹھ کر کے کھائیں گے. اپنی فیملی کو سمجھاتا ہے, یوں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ آخرت کی تیاری کی سیزن ہے, یہ اللہ کو منانے کا مہینہ, اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ, اللہ سے صلح کرنے کا مہینہ, اپنے دل کی تار اپنے اللہ سے جوڑنے کا مہینہ, روحانی غسل کرنے کا مہینہ, اللہ کے ولی بننے کا مہینہ. اکابرین فرماتے ہیں کہ انسان رمضان کے ایک لمحے کی قدر کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے. ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے, روحانی اعتبار سے بہت زیادہ قیمتی ہے. جو حضرات دل پر محنت کرنا جانتے ہیں اور اپنے دل پر محنت کرتے ہیں اور مسلسل اپنے دل کی نگرانی کرتے ہیں اور اپنے دل پر محنت کرتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ کتنا قیمتی مہینہ ہے اپنے دل کو بنانے کے لیے. 11 مہینے کی محنت سے وہ بات نہیں بنتی جو رمضان کے 1 مہینے کی محنت سے بات بن جاتی ہے. اسی لیے مشائخ لکھتے ہیں کہ اگر مرحومین سے اللہ یوں کہے کہ آپ کی کوئی تمنا ہے تو وہ یوں کہے کہ باری تعالیٰ ہمیں رمضان کا صرف 1 دن دے دیجئے, کیونکہ انہیں معلوم ہے رمضان کا 1 دن آخرت کو بنانے کے لیے اور اللہ کو منانے کے لیے کافی ہے. رمضان کے 1 دن میں انسان ولایت کا اعلی نور حاصل کر سکتا ہے, تعلق معلہ حاصل کر سکتا ہے, نسبت کا نور اسے مل سکتا ہے اور وہ اللہ کے بہت قریبی ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ بندہ وقت کی قدر کرے. لکھا ہے آخری عشرہ کیسے گزارے, آخری عشرہ نہیں پوری زندگی کیسے گزارے, وقت کی قدر دانی کے ساتھ گزارے. جو وقت کی قدر کرتا ہے دنیا بھی اس کی قدر کرتی ہے, اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ خود بے قدرہ انسان بن جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ہر بنی آدم ہیرا ہے, جو اپنے آپ کو جتنا تراشے گا اتنا ہی چمکے گا,
एक कुर्सी है वो लकड़ा है, उसकी वैल्यू कोई नहीं, उसको कुर्सी बना दी उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसके ऊपर कलर कर दिया उसकी वैल्यू और बढ़ गई, फरमाया कि उसके ऊपर लेमिनेशन कर दिया, हाँ 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 अब ये बड़े बड़े मकानों में जाएगी, बड़े बड़े शोरूमों में जाएगी और बड़े बड़े लोग उस कुर्सी पर बैठेंगे, हमेशा उस कुर्सी की सफाई का ख्याल किया जाएगा। वजह क्या है? फरमाया कि लकड़े पर मेहनत की गई, मेहनत करते करते वो लकड़ा इस मकाम तक पहुंचा कि बड़े ऊंचे मकामात में रह रहा है। बिल्कुल इसी तरह जो इंसान अपने ऊपर मेहनत करता है, सिफात को हासिल करता है, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करता है, अल्लाह के ताल्लुक को हासिल करता है, अल्लाह ताला उसे कहां से कहां पहुंचा देते हैं। हर मिनट कीमती है, हर सेकंड कीमती है, एक एक साल कितना कीमती है, इसकी कदर आप उनसे पूछो जिसका फाइनल ईयर्स था, आखिरी साल था, आइंदा साल उसकी शादी थी, उसने जॉब के बहुत से प्लानिंग बना रखे थे और फाइनल एग्जाम में फेल हो गया, उसको पूछो एक साल की कदर किसको कहते, महीने की कदर किसको कहते हैं। एक मां है हमल से, बच्चा गलती से सातवें महीने में आ गया, अपाहज पैदा हुआ, मां पूरी जिंदगी अफसोस करती है, तड़पती है, एक काश मेरा एक महीना और हो जाता, मेरा बच्चा सेहतमंद हो जाता, मेरा बच्चा भी तंदुरुस्त हो जाता। डॉक्टरों का कहना यह है कि यह बच्चा वक्त से पहले आ गया। तो एक महीने की कदर उस मां से पूछो जिसका बच्चा जरूरत से एक महीने पहले आ गया। फरमाया एक दिन किसको कहते हैं, हम तो बहुत नॉर्मल ले लेते हैं, एक दिन की कदर उससे पूछो जो बेचारा मजदूरी करता है, कड़िया काम करता है, लोगों के घर का कामकाज करता है, सुबह जहां मजदूर खड़े होते हैं वहां खड़ा हो जाता है, उसको पता है कि आज मेरे घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, दोपहर का खाना तो बन जाएगा, मैं 300-400 रुपये कमाऊंगा और आज जो रकम आएगी वो घर पे लेके जाऊंगा, इससे मेरे बच्चे जो है खाना खाएंगे। और बेचारे के दो घंटे गुजर जाते हैं, उसको मजदूरी पे लेने वाला कोई नहीं आता, उसको बुलाने वाला कोई नहीं आता, उसको मजदूरी पे अपने घर ले जाने वाला कोई नहीं आता। जैसे घड़ी का वक्त गुजरता है उसका वो दिन कैसे गुजरता है, उस मजदूर से पूछो कि एक दिन किसको कहते। एक घंटे की कदर, एक घंटा किसको कहते हैं, जिस मां के बच्चे का ऑपरेशन हो एक घंटे का, और वह मां ऑपरेशन रूम के बाहर बैठी हो और अपने बच्चे के लिए तड़प रही हो कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन कामयाब हो जाए, मेरे बच्चे का ऑपरेशन कामयाब हो जाए, उस मां से पूछो कि एक एक घंटा किसको कहता है, एक एक घंटे की क्या हैसियत, क्या अहमियत होती है। एक मिनट की कदर फरमाया उनसे पूछो जो जिसका फ्लाइट का वक्त है, ट्रेन का वक्त है और वो ट्रैफिक में फंस चुका है, एक एक मिनट की कदर उससे पूछो जिसको यूं लगता है कि एक मिनट के लिए मैं ट्रेन चुक जाऊंगा, एक मिनट के लिए मैं फ्लाइट चुक जाऊं, उससे पूछो जिंदगी में एक मिनट किसको कहते। एक एक सेकंड की कदर उनसे पूछो, एक खेल है ओलंपिक जिसमें दौड़ लगाई जाती है, उसमें बंदा तकरीबन एक सेकंड या उससे भी कम के लिए दूसरा बंदा उससे पीछे रह जाता है, मुकाबले पे हार हो जाती है, मेडल जीतने से बच जाता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है, सेकंड की कदर उनसे पूछो। और जिसका ऑपरेशन होते होते बच जा रहा था इंसान बाइक लेकर, एक सेकंड के लिए एक्सीडेंट होते होते बच गया, उसको ऐसा लगा था कि करीब है मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरी कार टकरा जाए, बाइक टकरा जाए, बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट होता, लेकिन एक सेकंड के लिए अल्लाह ने उसको बचा। फरमाया एक एक सेकंड की कदर उनसे पूछो। हजरत पीर जुल्फिकार साहब दामत बरकातुम फरमाते हैं, जिसका खुलासा कि मुझे एक मुल्क में सफर के लिए जाना था,
लेकिन अल्लाह की शान, एक मिनट या उससे कम के लिए मैं फ्लाइट चुका, फ्लाइट खड़ा हुआ है, बस डोर क्लोज हो गया है, हजरत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। हजरत के तो प्रोग्रामात होते हैं, पूरा शेड्यूल आगे पीछे हो जाता है, और हजरत कहते हैं मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, दो घंटे पहले मेरा इमिग्रेशन हो गया था, एक अमेरिकन लड़की मेरे आगे थी, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि हम तुझे चेक करेंगे, उसने कहा ना ना ना, बड़ी मेहनत से मैंने सामान पैक किया है, उसने कहा ना 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 ना, हम सिक्योरिटी गार्ड है और जब तक हमें इत्मीनान ना हो हम आपको यहां से आगे जाने नहीं दे सकते। हजरत कहते हैं हम एकदम ओके हैं, तैयार हैं, वक्त पर पहुंच भी गए हैं। इसी में एक डेढ़ घंटे के करीब निकल गया, हमारी बारी आई, अनाउंस भी हो रहा है, नाम के साथ हो रहा है कि ये लास्ट कॉल है, ये आखिरी मर्तबा ऐलान हो रहा है, अब फ्लाइट का डोर क्लोज हो जाएगा और आप दोबारा इसमें अंदर एंटर नहीं हो सकते, प्लीज मेहरबानी आप जल्दी तशरीफ ले आए। हजरत कहते हैं हम सुन भी रहे और कुछ कर कुछ नहीं सक रहे। जब वहां पहुंचे, इतने में फ्लाइट का डोर क्लोज हो गया, बड़ी रिक्वेस्ट की, मन्नत समाजत की, लेकिन अल्लाह की शान, हमारा सामान उसी फ्लाइट में गया लेकिन हम उस फ्लाइट में न जा सके। हजरत फरमाते हैं उस वक्त में बैठ के सोचता रहा कि यार वो अल्लाह की बंदी कॉल देती रही, हमें बुलाती रही, हम न गए तो मैं सफर में जाने से चूक गया, रात के आखिरी पहर में अल्लाह भी तो अपने फरिश्ते से कॉल दे रहे हैं, हल मिन साइलिन फअतिया, है कोई सवाल करने वाला जिसको अता किया जाए। उस वक्त अगर हम हाजिर नहीं होते, इसलिए हमारी जिंदगी वैरानी का और परेशानी का सबब बनी हुई। फरमाया तहज्जुद की नमाज में सीहत है, तहज्जुद की नमाज नेक लोगों का शियार है, तहज्जुद की नमाज की बरकत से अल्लाह गुनाहों से बचा लेता है। देखो रमजान में तहज्जुद पढ़ना और चीज है और 11 महीने तहज्जुद पढ़ना और चीज है। रमजान में तो जो फजर की नमाज पूरा साल नहीं पढ़ता ना, उसे भी अल्लाह तौफीक दे देंगे। क्यों? रमजान की निस्बत की वजह से। एक बंदा पूरा साल कुरान नहीं पढ़ता, रमजान की निस्बत की वजह से उसको तौफीक दे देंगे कुरान पढ़ने की। चाहे वो हाफिज कुरान हो, पूरा साल नहीं पढ़ता, रमजान में तौफीक दे देंगे। पूरा साल याद नहीं करता, रमजान में उसको याद भी करा देंगे और रमजान में बंदे को चैन, सुकून, इत्मीनान और अमन अमान भी दे देंगे। क्या बात है, अल्लाह की रहमतें जोश मार रही होती है और अल्लाह ताला नवाजना चाहते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को जकड़ लिया जाता है, रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह ताला सारी मखलूकात को, अक्सर मखलूकात को दुआ पर लगा देते हैं। रोजदारों के लिए फिजाओं में उड़ने वाले परिंदे और समंदरों में तैरने वाली मछलियां और बिलों में रहने वाली चूटियां रोजदारों के लिए मगफिरत की दुआ करती। क्या अल्लाह का एक निजाम है, रोजदारों को कैसे बख्शना चाहते हैं। शयातीन को तो कैद कर लिया कि तुम मेरे रोजदारों के रोजे को खराब ना करना, जहन्नम का तो दरवाजा ही बंद कर दिया, बड़े खुश है ना अल्लाह, और जन्नत के दरवाजे ही खुलवा दिए, और मगफिरत ऐसी करना चाहते हैं कि समंदरों में रहने वाली मछलियों को मगफिरत की दुआ पर लगा दिया, फिजाओं में उड़ने वाले परिंदे को मगफिरत की दुआ पर लगा दिया, बिलों में रहने वाली चींटियों को मगफिरत की दुआ पर लगा दिया। वाह रे मेरे अल्लाह, आपकी कुदरत के क्या कहने, आपकी ताकत के क्या कहने, आपकी अता के क्या कहने। अल्लाह का कुरान कहता है वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह तबारक व ताला तो बड़े कदरदान है, बड़े ही जानने वाले। कदरदान किसको कहते हैं? जो थोड़े पे बहुत ज्यादा देना जानता हो उसको कदरदान कहते हैं। अल्लाह ताला बड़े कदरदान। हजरत उमर रजी अल्लाहु अनु दुआ फरमा रहे कि बारी ताला मुझे मदीना मुनव्वरा की मौत अता फरमा, शहादत की मौत अता फरमा। दो चीज मांग रहे अल्लाह से। अब उस जमाने में
ये बात समझ में आने वाली बिल्कुल नहीं थी कि मदीना मुनव्वरा में किसी को शहादत की मौत मिले। क्यों? क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह वालु का दौर था, इंसाफ का दौर दौरा था, कोई एक दूसरे पे जुल्म नहीं कर सकता था, कोई दूध में पानी नहीं मिला सकता था। तो जहां ऐसा माहौल था पूरी हुकूमत का, तो मदीना मुनव्वरा में हजरत उमर को कौन शहीद करेगा? तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात नहीं। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की नजर अल्लाह पर है, दो दुआ कर रहे हैं, बारी ताला मदीना मुनव्वरा की मौत चाहता हूं, साथ शहादत की मौत चाहता हूं। दुआएं बड़ी पावर वाली होती है, दुआओं का रंग नहीं होता साहब, लेकिन ये जब रंग लाती है तो जिंदगियों में रंग भर जाते। जितने अल्लाह वाले हैं ये सब दुआ वाले होते हैं, इनका ताल्लुक दुआ की वजह से मजबूत होता है। ये चलते फिरते चुपके चुपके अल्लाह से बातें करना जानते हैं, ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करना जानते हैं। आप यकीन मानो जोहर की नमाज खत्म होती है, फजर से जोहर तक इनको क्या नेमतें मिली उस पर शुक्रिया अदा करते हैं। असर की नमाज खत्म होती है, जोहर से असर तक उनको क्या नेमतें मिली उस पर शुक्रिया अदा करते हैं। हर नमाज के बाद एक नमाज से दूसरी नमाज तक क्या नेमतें मिली उस पर शुक्रिया अदा करते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला उनको इतना नवाजते हैं कि वो खुद थक जाते हैं, दुनिया में उनकी सवारते हैं, बगैर तख्त और ताज के अल्लाह ताला उनको बादशाह बना देते हैं, लोगों के दिलों पर अल्लाह ताला उन्हें हुकूमत अता फरमाते हैं और सब के दिलों में अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत डाल देते हैं। इंसान तो इंसान, आसमान के फरिश्ते हजरत जिब्राइल, जमीन के फरिश्ते और गैर लोग और सब लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। वजह क्या है? क्योंकि ये अपने दिल से, पूरे दिल से अल्लाह से मोहब्बत करते। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है सारी दुनिया उससे मोहब्बत करती है, जो अल्लाह का हो जाता है सब उसके हो जाते हैं। ए इंसान तू मेरी तरफ आ करके तो देख, सबको तेरा न कर दूं तो कहना, तू मेरा दीवाना हो करके तो देख, सबको तेरा दीवाना न कर दूं तो कहना, तू मुझसे मोहब्बत करके तो देख, सबके दिलों में तेरी मोहब्बत न डाल दूं तो कहना, तू मेरी तारीफ और बड़ाई बयान करके तो देख, पूरी दुनिया में तेरी तारीफ के चर्चे न कर दूं तो कहना। अल्लाह ताला तो बड़े कदरदान है, अल्लाह को क्या जरूरत है कि हम अल्लाह की तारीफ करें? वो तो सारे ऐबों से पाक है, बादशाह है, शहंशाह है, अहकमुल हाकिमीन है, ताजदार मदीना के रब है। हम अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं। फरमाया कि हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं। हम अल्लाह के दीन के मोहताज हैं, अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं। हम अल्लाह के कुरान के मोहताज हैं, अल्लाह का कुरान हमारा मोहताज नहीं। जो भी इंसान तरक्की करता है वो वक्त की कदरदानी की वजह से करता है। अक्सर लोग, एक बड़ा तबका, 4 से 6 घंटे रोजाना अपने जाये कर देते, 4 से 6 घंटे जाये कर देते। तो इससे इनका दुनिया का नुकसान होता है 4-6 घंटे जाये करने से? तो कहा ना ना ना, दुनिया का कोई नुकसान नहीं होता। पैसों की और दुकान की तो इतनी मोहब्बत रगो रेशे में बसी है कि 6 घंटे जाये करेंगे लेकिन 10 घंटे दुकान के जाये नहीं करेंगे, वो जाये नहीं करेंगे, वो तो वसूल कर लेंगे हर हाल में। बचपन से मां बाप को भी यही देखा है, देखा कि एक दिन इंतकाल से एक दिन पहले अब्बा दुकान पर थे और दूसरे दिन कब्रस्तान में थे, और दादा का भी यही हाल था कि इंतकाल से एक दिन पहले दुकान पर थे और एक दिन के बाद कब्रस्तान में थे, और घर के वडीलों को यही देखा है कि एक दिन पहले दुकान पर और दूसरे दिन कब्रस्तान, और इसने भी यही तय कर लिया है कि मैं मौत तक